अब हमें जब कोई भी सूक्ष्मतम काम करना होता है तो हम नाभि का प्रयोग करते हैं। जब हमें वजन उठाना होता है, अपनी ऊर्जा का प्रयोग कहीं करना होता है, कुछ भी उठाना है, कुछ करना है, तो हम स्पाइन की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। म और ग का भेद नाभि आज्ञा चक्र और स्पाइन सहस्त्रार से आज्ञा, यह है डिटेल में। इसको आप ऐसे समझें, जब मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं, आइम 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 आइम, तो क्या हो रहा है यहां पे, यहां पे, यहां पे, फिर जाके पीछे कंपन हो रही है। पर जब मैं बोल रहा हूं आइंग 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 आइंग, तो क्या हो रहा है, मेरे विशुद्धि से सहस्त्रार की ओर जा रही है। वो जो कंपन बाद में मेरे आज्ञा चक्र में आएगी, उसका अलग प्रभाव है और म का अलग प्रभाव है।